आज हम इस कंपैरिजन वीडियो में आईएम अहमदाबाद और सैलेस जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की कंपैरिजन डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे और मोस्टली जो टारगेट रहेगा वो हमारा एमबीए कोर्स रहेगा। अगर लोकेशन की बात करें आईएम अहमदाबाद ऑब्वियसली अहमदाबाद में अवेलेबल है, वहीं एसजेएम मुंबई में अवेलेबल है। थोड़ी इन्फॉर्मेशन डिटेल्स की बात करें तो 1961 में बनी थी आईएम अहमदाबाद, वहीं दूसरी तरफ एसजेएम 1995 बनी थी। ऑनरशिप की बात करें आईएम अहमदाबाद की तो पब्लिक गवर्नमेंट ऑटोनॉमस कॉलेज है ये, वहीं एसजेएम की बात करें तो ऑनरशिप पब्लिक गवर्नमेंट है। टोटल कोर्स की बात करें आईएम अहमदाबाद में तो 9 है, टोटल एमबीए कोर्सेस 3 है। वहीं एसजेएम की बात करें तो टोटल कोर्स 4 है और एमबीए के लिए 2 कोर्सेस अवेलेबल है। यहाँ कोर्सेज डिटेल की बात करें तो दोनों के सेम है। कोर्स क्रेडेंशियल डिग्री है, कोर्स लेवल पीजी, ड्यूरेशन 2 साल, और मोड की बात करें तो फुल टाइम क्लासरूम। अगर स्टूडेंट रिव्यूज की बात तो लोपसन दोनों को ही सेम मिली है, 4.6 के अप्रॉक्स रेटिंग मिली है इनको। रैंकिंग की बात करें तो एनआईआरएफ रैंकिंग 2022 में आईएम अहमदाबाद को पहला स्थान मिला था, वहीं 2022 में सैलेस जे मेहता को 11वां स्थान मिली है। अगर प्लेसमेंट की बात करें तो आईएम अहमदाबाद में अप्रॉक्स 31.50 लाख के अप्रॉक्स प्लेसमेंट जाती, वहीं ऑन एन एवरेज 26.64 लाख के अप्रॉक्स सैलरी जाती है एसजेएम में। कोर्स फीस की बात करें तो अप्रॉक्स 18.19 लाख रुपीज लगती है 2 साल के लिए एमबीए के लिए आपको आईएम अहमदाबाद में, वहीं दूसरी तरफ 8 लाख के अप्रॉक्स लगेगी एसजेएम में। एडमिशन इन्फो लपसम सेम ही है, कैट के थ्रू आपको जाना पड़ेंगे, लेकिन रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा आईएम अहमदाबाद में। एलिजिबिलिटी 50% ग्रेजुएशन में होनी चाहिए, वहीं एसजेएम में आपको कैट के थ्रू जाना पड़ेगा और ग्रेजुएशन में 60% के अप्रॉक्स आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। कट ऑफ की बात करें तो राउंड 1 में 99% तक जाती है आईएम अहमदाबाद में कैट की, वहीं कैट के राउंड 1 में 90% में भी आपकी एडमिशन हो सकती है एसजेएम में। टोटल सीट्स की बात करें तो आईएम अहमदाबाद में क्लियर नहीं है, लेकिन एसजेएम में 152 के लपसम सीट है, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटी दोनों में लपसम सेम है।